Apartheid is a political system that separates people according to their race. अब रेस क्या होती है बताओ? रेसिज्म होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन क्लास, कास्ट, किसी चीज पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो रेसिज्म में आता है, ठीक है? रेस आपकी पर्टिकुलर, आपका कल्चर कह सकते हैं, ठीक है? तो अपार्थेड आपको उस बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना, उस मतलब ये यहाँ पे रेस में कलर की बात हो रही है, ठीक है? जो ब्लैक एंड व्हाइट लोग हैं, और जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए, मतलब लीगली सिर्फ व्हाइट लोगों की सुनता है, तो उस वो सिस्टम हमारा अपार्थेड होता है, ठीक है? कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड अ सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? इसमें साउथ अफ्रीका में अभी हटा है, 1994 में हटा है, जिसकी हम अभी बात करेंगे, ठीक है? Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. अब ये नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना, ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पे रंग की बात हो रही है, ठीक है, काले गोरों वाली बात, तो उससे पहले सिर्फ व्हाइट लोग ही पॉलिटिकल सिस्टम में थे, जिस जो मैंने अभी अपार्थेड समझाया था। तो 1994 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई जहाँ पे सबको इक्वल राइट था, और उसमें पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना नेल्सन मंडेला। तो हम इसी की ऑटोबायोग्राफी का एक कुछ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? In this extract from his biography, Long Walk to Freedom, इसकी बायोग्राफी का नाम है Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from BBC of 10th May 1994. ये BBC का कोई आर्टिकल है। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than three centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. अब नेल्सन मंडेला इनका पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना आफ्टर थ्री सेंचुरी। थ्री सेंचुरी मतलब लगभग 300 साल बाद, ठीक है? 300 साल तक साउथ अफ्रीका में वाइट रूल रहा, उसके बाद कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना। उसकी पार्टी ने 252 सीट जीती 400 में से। अब जो सेरेमनी हुई थी वो एम्फी थिएटर में हुई थी। एम्फी थिएटर पता है ना सबको, एम्फी थिएटर होता है, मतलब एक स्टेज होता है और आगे सीढ़ियां लगी होती हैं, उस पे बैठना होता है, ओपन होता है सब। कोलिजियम की तरह? हाँ, काइंड ऑफ, हाँ वैसा ही, वैसे ही, बस सीढ़ियां लगी होती हैं और स्टेज होता है और ऊपर से छत नहीं होती, बस मतलब काइंड ऑफ एक मूवी थिएटर जैसा ही होता है, बस ऊपर छत नहीं होती और स्क्रीन नहीं होती आगे, बस स्टेज होता है। क्या and attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. अब 140 कंट्री से बड़े-बड़े लोग आए थे। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one another, said Nelson Mandela in his address. अब इसने कहा कि अब देखो, अब अच्छा डेमोक्रेटिक रूल आ गया तो उम्मीद है कि हमेशा यही रूल चलता रहे, जिसमें कोई एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट ना करे, कोई एक दूसरे को ओप्रेस ना करे। ओप्रेस करना मतलब उसको दबा के रखना, जैसे व्हाइट का रूल था तो उसमें सारे ब्लैक की कोई नहीं सुनता था, तो वो ओप्रेशन होता है, ठीक है? जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। अब उस सेरेमनी में सारे लोग खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। अब चैप्टर शुरू होगा मेन। 10th May dawned bright and clear
For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब मैं काफी दिन से कह रहा था कि मैं besieged मतलब surrounded by, ठीक है, dignitaries मतलब तुम्हारे जो कि prominent या important लोग होते हैं, ठीक है, political leaders वगैरह. तो कहते हैं कि मैं काफी दिन से उनसे surrounded था. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa. अब South Africa में इतनी बड़ी पहले कोई भी inauguration या कोई भी ceremony नहीं हुई थी जिसमें इतने सारे international leaders आए. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. Amphitheater मैंने अभी बताया, इसमें भी लिखा है. A building without a roof with many rows of seats rising in steps. ये इसकी शुरुआत basically ancient Greece और Rome में हुई थी. Formed by the Union Buildings in Pretoria. Pretoria, South Africa में जगह है. For decades, this had been the seat of white supremacy. White supremacy मतलब white का rule, जिसमें यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मतलब white लोग जो हैं कि black पर dominant रहते हैं. सिर्फ white का राज ही चलता है, black की कोई भी नहीं सुनता. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. Democratic, हमें सबको पता है, सबके पास equal rights होते हैं voting का और election में भी लड़ने का, ठीक है. Non-racial government जो race के base पे differentiate. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. Day Clerk was first sworn in as a second deputy president. Podium मतलब जिसमें teacher वगैरह खड़े होकर पढ़ाते हैं और speech वगैरह देते हैं लोगों को, सारा podium होता है. Lecture stand. Deputy president मतलब उसके president के next जो भी rank होती है. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. ये first deputy president मतलब प्रेसिडेंट के जस्ट बाद जो रैंक है और सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट उससे फर्स्ट के बाद जो रैंक है. व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माय सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. जब मैं मतलब मैंने प्लेज ली कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की एंड टू डिवोट माय सेल्फ टू वेल बीइंग, मतलब लोगों की वेल बीइंग के लिए, वेलफेयर के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे उसके लिए मैंने प्लेज ली. To the assembled guests and the watching world, I said, "Today, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society of which all humanity will be proud." अब ये बात करते हैं हमने मतलब आज हमें मतलब बेसिकली लिबर्टी मिली है, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी है क्योंकि आज तक ऐसी लिबर्टी नहीं थी. उस पर वाइट लोगों का रूल था, वाइट की सुप्रीमेसी थी. एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. ह्यूमन डिजास्टर कौन सा है यहाँ पे, जो भी तक हम बात कर रहे हैं रेसिज्म की बात हो रही है, ठीक है. यहाँ पे जो ह्यूमन डिजास्टर है वो रेसिज्म की बात कर रही है और वाइट सुप्रीमेसी की बात कर रही है कि सैकड़ों सालों तक, मतलब सेंचुरीज तक सिर्फ वाइट का रूल था और यहाँ पे ब्लैक ओप्रेस हो रहे थे, तो ह्यूमन डिजास्टर की बात कर रहे हैं. मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. अब ऐसी सोसाइटी हो जिसमें सारी ह्यूमैनिटी प्राउड करे, तो सिंपल है. वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो. आउटलॉस का मतलब जो बॉयकॉटेड थे, बेसिकली जिनको बॉयकॉट करा गया था, ठीक है, जो कि ब्लैक पीपल है. हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड on our soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब हम आज यहाँ पे जस्टिस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पीस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ह्यूमन डिग्निटी की. डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट होती है, ठीक है. तो यहाँ पे सारे लोग आए हैं, आज जस्टिस की जीत हुई है. जस्टिस मतलब फेयरनेस, सबको बराबरी का हक. बेसिकली पीस की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है, तो हम उसको आज बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं. वी हैव एट लास्ट
achieved our political emancipation, मतलब freedom from restriction. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Poverty सबको पता है, गरीबी, deprivation मतलब किसी चीज की कमी होना, suffering का मतलब झेलना कुछ, gender and other discrimination किसी भी बेस पे discrimination, किसी भी बेस पे, किसी भी बेस पे भेदभाव. तो हम इन चीजों से हम सब लिबर्टी पा चुके हैं, मतलब फ्रीडम पा चुके हैं, सबसे इमेंसिपेशन हो चुकी है. और हम ये प्लेज करते हैं कि अगर कोई भी रहा हो ऐसा पॉवर्टी में, तो हम उसको उसे लिबरेट करेंगे और आने वाले समय में यही कंटिन्यू करेंगे, सबकी लिबरेशन को कंटिन्यू करेंगे, सबकी फ्रीडम को कंटिन्यू करेंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल एंड लैंड land will again experience the oppression of one by another. वही सेम बात कि हम कभी यहाँ पे जो oppression हुआ था white rule का या किसी भी तरीके का oppression इस land पे नहीं होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Reign का मतलब rule होता है कि freedom ही हमेशा रहे यहाँ पे. अब है, a few moments later, we all lifted our eyes in awe. Awe का मतलब एक amazement होता है, wonder होता है और साथ में respect होती है, ठीक है. मतलब एक किसी भी चीज को आप देखते हो एक respect से और एक मतलब खुशी से basically, ठीक है. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब जैसे कई बार Republic Day पे हमारे होता है ऊपर helicopter वगैरह घूमते रहते हैं, उस तरीके का यहाँ पे माहौल बन गया था, ठीक है. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military loyalty to democracy. अब जो उनके क्या नाम जो वो दिखा रहे थे, जो इस क्या कहते हैं कैरियर्स वगैरह, जो जेट्स वगैरह करतब वगैरह जो कर रहे थे, फॉर्मेशन वगैरह दिखा रहे थे, वो मतलब सिर्फ उनकी फॉर्मेशन की बात नहीं थी कि हाँ वो अच्छा कर रहे हैं, उनमें एक मिलिट्री की लॉयल्टी भी थी, मतलब एक फीलिंग ऑफ लॉयल्टी थी टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. वही डेमोक्रेसी यही है, फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by. अब जो उनके जनरल थे मिलिट्री वगैरह के, उनके चेस्ट पे रिबन वगैरह लगा रखे थे और मेडल्स वगैरह लगे हुए थे. Saluted me and pledged their loyalty. अब मी कौन है यहाँ पे बताना? Mandela. हाँ ठीक है. Nelson Mandela. And pledged their loyalty. It was no, I was not unmindful of the fact that no, so many years before they would not have saluted but arrested me. अब ये कह रहा है कि मुझे ये पता है कि कुछ ही साल पहले ये जो सेम लोग हैं जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं मेरी लॉयल्टी के लिए, यही लोग मुझे अरेस्ट कर लेते, क्योंकि तब जो रूल था वो था वाइट रूल का, और तब ऐसा था कि अगर कोई बेसिकली उनके खिलाफ बोलता है तो उसको वो अरेस्ट कर लेते थे, ठीक है. तो ये नेल्सन मंडेला काफी टाइम से था जो उनके खिलाफ था, तो कहता कि हाँ कुछ समय पहले मेरे को अरेस्ट कर लेते पर आज ये लोग मुझे बेसिकली सैल्यूट कर रहे हैं और आज ये इस कंट्री के लिए लॉयल हो जाएंगे. फाइनली अ शेवरन ऑफ इंपाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. अब शेवरन वो होते हैं जैसे कभी तुमने बर्ड्स वगैरह को देखा होगा वी शेप में घूमते हैं, वही शेवरन होते हैं. अब यहाँ पे वही जेट जेट की वी शेप में वो घूम आ रहे थे और पीछे स्मोक. इंपाला तो एनिमल नहीं होता क्या कोई? क्या इंपाला? हाँ होगा, जेट्स का नाम डियर की तरह ही. हाँ पर इन्होंने जेट्स को नाम दे रखा है, वही इंपाला जेट्स. यहाँ पे नाम जेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है.
A smoke trail of black, red and green, blue and gold of the new African flag. ये जैसे हमारे भी रिपब्लिक डे में पीछे कलर से छोड़ते हैं ना फ्लैग के, वैसे ये जेट्स कलर छोड़ रहे थे उनके फ्लैग के. They were symbolized for me by playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikelel I Africa and black singing D stem. अब इनके दो national anthem थे, एक जो white का हमेशा से चलता है और एक जो black का चलता है, तो इन्होंने वही continue रखे क्योंकि इससे पहले तो दोनों के अलग अलग थे. ठीक है, तो एक बार वही कंटिन्यू करें, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक. Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. अब एक दूसरे के जो नेशनल एंथम थे वो जो नेशनल एंथम थे उनके लिरिक्स को नहीं जानते थे वो, तो कह रहे हैं धीरे धीरे अब साथ हो गए हैं तो सब. अब शुरू से बढ़ा. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. अब on the day of inauguration की बात कर रहा है कि एक history से मैं overwhelmed हो गया, मतलब एक अजीब अलग सी feeling थी मेरे में कि आज तक हिस्ट्री में वाइट स्किन पीपल का, वाइट लोगों का ही राज रहा है हमारे यहाँ पे, पर आज हम सब क्या एक इक्वल हो गए हैं. तो एक अंदर से एक अलग सी फीलिंग हो रही थी कि ये वंडर की फीलिंग कह सकते हैं कि हाँ ये कैसे हो गया, और काफी उसको अच्छा लग रहा है. फिर वो हिस्ट्री, जिस हिस्ट्री की वो बात करता है वो आगे बताता है. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो-बोयर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. Abhi Anglo-Boer war ki baat kar raha hai jisme white logon ka in south african jo black log hai unke sath war hua tha, aur uske baad jo white skinned people ne inke black logon ke upar apna raj shuru kar diya. Theek hai, the structure they created formed the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known. अब ये जो white का rule था black पे, ये कह रहे हैं कि सबसे inhuman मतलब इंसानियत से दूर था और harshest था, काफी बुरा. ठीक है, काफी difficult. Now in the last decade of the 20th century in my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. ab kaun se system ki baat kar rahe hai, kaun sa system overturn hua jo racial discrimination ka tha aur jisko inhone kaha apartheid. theek hai, to last decade of 20th century kya hui, 1990 se 2000. हाँ ठीक है, और 8 डेकेड एज अ मैन मतलब 70 से 80 के बीच में थी इसकी एज मंडेला की. ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ द स्किन. ठीक है, सबको फ्री एंड इक्वल राइट मिल गया. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. ये अपने सैक्रिफाइसेस याद कर रहा है इसके, काफी लोगों का, ब्लैक पीपल का, ऑफ माय पीपल मतलब ब्लैक पीपल का, जिन्होंने इसी इसको सिस्टम को हटाने के लिए और सबको इक्वल राइट देने के लिए अपनी काफी सैक्रिफाइस करा, जिनको हम कभी रीपे नहीं कर सकते. I felt that day as I have on so many other stages that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मतलब इसको लगा कि मतलब जितने भी आज मेरे से पहले पैट्रियट्स हुए हैं, जिन्होंने इस जिस काम के लिए मैंने काम किया है, ये अपार्थेड सिस्टम को हटाने के लिए, मैं उन सबका एक कॉम्बिनेशन लगता हूँ मुझे. मतलब मुझे एक फील होता है कि मैं उन सबका कॉम्बिनेशन हूँ जो आज तक इतने पैट्रियट्स हुए हैं. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ओवर. उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये सिस्टम हटाने के लिए इतनी मेहनत करी है, पर आज वो ये दिन देखने के लिए यहाँ पे नहीं है. ठीक है, मुझे काफी दुख हो रहा है उस बात का,
और मैं उनको ना इतना थैंक नहीं कर सकता, हम कहते हैं ना कि हाँ मैं बयान नहीं करता, मैं उनके लिए बयान नहीं कर पाता अपना थैंक, मतलब इतना थैंकफुल हूँ मैं कि बयान नहीं कर पाता उसको। तो ये वही कह रहे हैं, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट वाज that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulis, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Sobieckis of our time. ये जो सारे नाम है जो भी पैट्रियट्स की बात कर रहे हैं ना हम ऊपर, ये वही सारे पैट्रियट्स के नाम हैं। Man of such extraordinary courage, wisdom and generosity. Courage, wisdom सबको पता है। Wisdom मतलब समझदारी कह सकते हैं, अकल कह सकते हैं। Courage मतलब bravery, generosity मतलब kindness. That their life may never be known again. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो ये कह रहा है मेरी country की जो wealth है मतलब उसकी basically जो कीमत की बात कर रहा है, वो यहाँ के मिनरल्स या यहाँ के जेम्स मतलब ये डायमंड वगैरह जो जेम्स होते हैं ये सब, इससे ज़्यादा जो इसके लोग हैं जो इसके पैट्रियट्स रहे हैं वो उनसे ज़्यादा कीमती हैं बल्कि डायमंड्स वगैरह से। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये कॉमरेड्स जिनकी अभी तक तो बात करी थी, जिसने नाम लिए थे ना पैट्रियट्स के यहाँ पे, ये सब कह रहा जो करेज मैं ब्रेवरी सीखा हूँ ये सब मैं इन्हीं से सीखा हूँ। ठीक है, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। अब ये इसने काफी गहरी बात करी, अब ये आइडिया के लिए देखो कि लोगों ने अपनी जान दे दी, कर अपनी जान रिस्क दे दी और अपनी जान तक दे दी और उसका रिस्क लिया इतना बड़ा अपनी जान देने का एक आइडिया के लिए सिर्फ। तो ये आइडियोलॉजी हमारी लाइफ में काफी क्या कहते हैं मैटर करती है। अब देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी भी सारी आइडियोलॉजी है, वो उसी के पीछे पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। अब सपोज करो इंडिपेंडेंस से पहले अब गांधी जी की आइडियोलॉजी थी स्वराज की, वो उसी पे लगे रहे और अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। तो एक देख लो मतलब आइडिया जो दिखता भी नहीं है सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, वो जान पे खेल सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया की इतनी इम्पोर्टेंस होती है और आइडिया क्या क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे इंडिया को आजादी दिला दी, अब इन्होंने वाइट सुप्रीमेसी से इन्होंने भी आजादी ले ली एक टाइप से, है ना। तो ये आइडिया की मतलब इतनी पावर है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। Resilience, इधर पढ़ो क्या लिखा है, the ability to deal with and recover from it. Like, मतलब किसी भी जैसे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ मैं तो उससे उभरने की जो मेरी एबिलिटी है वो रेजिलियंस होगी। ठीक है, मतलब उसको डील करने की, कुछ भी मेरे साथ बुरा होता है तो उससे डील करने की मेरी एबिलिटी रेजिलियंस होती है। तो ये बात कर रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है पर फिर भी वो खड़े हुए हैं बिल्कुल मतलब नॉर्मल, ऐसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब लोगों में इतनी पावर है कि उनके साथ कुछ भी हो जाए पर वो एकदम सही रहते हैं, एकदम नॉर्मल खड़े होते हैं, उनके साथ कितना भी टॉर्चर हो, उनके साथ कितना बुरा हो, वो एकदम उनसे उभर आते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम फॉर इट। अब ये बहुत इसने अच्छी लाइन करी है, ये आप थॉट भी लिख सकते हो कहीं पे। ठीक है, दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रिम फॉर इट। मतलब जो ब्रेवरी है वो ये नहीं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, देखो डर तो सबको लगता है बट जो डर से जीत जाता है वही असली करेज होती है। ठीक है, डर से जीतना ही करेज है, डर का ना होना करेज नहीं है। ठीक है, डर से जीतना करेज है। ठीक है, फिर चला क्या आपको, कोई बात नहीं आ जाएगा। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. वही सेम बात चल रही थी, जो डर से जीत जाता है वही ब्रेव होता है, ना कि जिसके डर ही नहीं होता, क्योंकि डर तो एक टाइप में सबको ही लगता है। ठीक है, कहीं छुपा लेता है कहीं कुछ, हमें डर से जीतना होता है, मेन चीज ये है डर से जीतना। डर को भगाना मेन नहीं है, मतलब डर से दूर भागना है, डर को भगाना मेन नहीं है, डर पे जीत हासिल करना
मेन चीज है. नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes from naturally to the human heart. Then it. ये भी काफी अच्छा आता है. इसको तुम मैं ऐसे थोड़ा लिख सकते हो कहीं पे. मतलब कि देखो, हम जब हम बर्थ लेते हैं तो हम हमारे कोई ये नहीं होता कि काला गोरा या कोई रिलीजन क्या या कोई कास्ट क्या. ये सब हमारे लाइफ में आने के बाद लोग टैग लगाते हैं कि हाँ इस कास्ट क्या इसका. जिस टाइम हम बर्थ लेते हैं तब हम सिर्फ ह्यूमन लेते हैं. और जो हेट हम दूसरे एक दूसरे को हेट करते हैं ये भी हम बाद में सीखते हैं. ये हमारे में नेचुरली नहीं आता है ना. पर जो लव है वो कह सकते हैं कि नेचुरली आता है. तो अगर हम हेट करना सीख सकते हैं किसी को तो हम लव करना क्यों नहीं सीख सकते. मतलब सबके साथ एकदम प्यार से रहो, अच्छे से रहो. ये मेन कहने का मतलब ये है. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. भले कोई गोरा हो, कोई काला हो, किसी का रिलीजन कुछ हो, किसी की कास्ट कुछ हो, सभी एक ह्यूमन बींग है. अगर हम हेट करना सीख सकते हैं तो हम सबसे प्यार करना भी सीख सकते हैं. ठीक है. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन पर्सन, मतलब दुखी टाइम इन प्रिजन, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. अब ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब हम कहते हैं ना, एक हमें आशा दिखती है, एक रोशनी दिखती है कि कुछ अच्छा होना. तो ये उस ग्लिमर की बात कर रहा है कि टाइम की बात कर रहे हैं. मतलब जो लोग मैंने तुम्हें बताया था कि उनके खिलाफ बोलते थे वाइट लोग के खिलाफ, क्योंकि वाइट लोगों का रूल था तो उनके खिलाफ जो बोलते थे वो इलीगल हो जाते थे और उनको प्रिजन में बंद कर देते. तो ये उस टाइम की बात कर रहा है जब मैं प्रिजन में हुआ करता था कभी. पर मुझे एक उम्मीद लगती थी ह्यूमैनिटी की, एक आशा थी कि सब सही होगा. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. मतलब वो एक छोटी सी उम्मीद की किरण ही काफी थी मुझे उसी रास्ते पे चलने देने के लिए. ठीक है. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ये भी काफी अच्छी बात कर रहा है. मतलब हमारी goodness है, हमारी अच्छाई है, ये कभी छिप सकती है पर कभी खत्म नहीं हो सकती. इंसान में अच्छाई हमेशा ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती. हो सकता है थोड़े टाइम के लिए छुप जाए या हम भूल जाएं इसे, पर ये कभी खत्म नहीं होगी. अच्छाई इंसान में हमेशा ही रहेगी. ठीक है. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज कम्युनिटी, टू हिज कंट्री. अब देखो, हर इंसान के जिंदगी में दो ऑब्लिगेशन या ड्यूटी कह सकते हैं. ठीक है. दो टाइप की ड्यूटी होती है. एक तो उसकी फैमिली के, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, उसके बच्चे आते हैं, उसकी वाइफ आ जाती है. तो जो दूसरी ड्यूटी होती है उसकी बाकी इंसानियत ह्यूमैनिटी की तरफ होती है, उसकी कम्युनिटी की तरफ, उसके नेशन की तरफ. तो इंसान की ये दो ड्यूटी होती है. क्या क्या होती है थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, माइक बंद कर देते. कौन, मैं? हाँ, थोड़ी आवाज आ रही है पीछे. हाँ. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी. अब ये सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी क्या होगी, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, और जिसमें सारे इक्वल हैं और फ्री हैं, वो होती है सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी. तो कह रहा है ऐसी सोसाइटी में तो ये जो दोनों ऑब्लिगेशन है ये हम पूरी कर सकते हैं. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन. अब कहता है कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जिसमें इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, अपार्थेड है, तो इस कंट्री में दोनों ही ऑब्लिगेशन पूरी करना एक इम्पॉसिबल है. ठीक है. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. वही कह रहा है जो मतलब जो ब्लैक रंग के लोग थे, अगर वो फ्रीली रहना चाहते हैं तो उनको पनिश किया जाता था और उनको अलग से रख दिया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home was forced to live apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. जो वही बात है जो अपना
मतलब बेसिकली अपनी ड्यूटी फुलफिल करना, हमें फ्रीडम चाहिए होती है अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए। मतलब अगर आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको एक थोड़ा राइट भी चाहिए होते हैं, उसको पावर भी चाहिए होता है पूरी करने के लिए। तो कोई भी इंसान साउथ अफ्रीका में अगर अपनी ये दोनों ड्यूटी ऑब्लिगेशन पूरी करना चाहता था तो बेसिकली उसको फ्री होना पड़ता था कुछ लिमिट तक, तो वो फ्रीडम उसको अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो अगर वो फ्रीडम को अपने क्या कहते हैं यूज करता और अपनी ड्यूटी पूरी करता तो उसको उसकी फैमिली से दूर करा जाता था और उसको एक अलग से अकेले में लाइफ निकालनी पड़ती थी, मतलब प्रिजन में डाल देते थे, आइसोलेट कर देते थे। ट का मतलब है देखो स्टेट ऑफ ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी मतलब एक क्लियर ना होना कुछ भी। ठीक है, ट्विलेट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, मतलब एक सीक्रेसी में उसको एक लाइफ निकालनी पड़ती थी और रिबेलियन में, रिबेलियन मतलब विद्रोह। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and husband. अब ये कह रहा है शुरू में तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे मेरे नेशन के लिए, मुझे मेरी कंट्री के लिए या मेरे को बाकी लोगों के लिए अपना जो ड्यूटी पूरी करनी है। शुरू में मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जो भी काम कर रहा था, अपने जो भी मेरे एक्शन थे मेरे फैमिली के लिए थे। ठीक है, पर धीरे धीरे जब वो क्या नाम, जब दूसरों के लिए काम करने लगा लोगों के लिए, तब उसको लगा कि वो ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए मुझे मेरी फैमिली के लिए ऑब्लिगेशन वो पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, जब वो टू सर्व माय पीपल मतलब लोगों को जब सर्व करने लगा, अपनी कंट्री को सर्व करने लगा, तब उसने ध्यान दिया कि अगर मैं ये ऑब्लिगेशन पूरी करूँगा तो मैं अपनी फैमिली की ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाऊंगा। अब ये देखना कि उसके लिए ऑब्लिगेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है या सबके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, एक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी कंट्री के लिए या फैमिली के लिए, अब ये धीरे धीरे बताएगा। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बर्ड्स। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. मतलब ये कहते हैं हर कोई इंसान है, अगर वो जब जन्म लेता है वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, हर इंसान को उसका राइट है कि वो अपने फ्रीली वो घूम पाए, फ्रीली खा पाए और जो भी उसने चीज लिखी है, ठीक है, कि सब कुछ फ्रीली कर पाए, यहाँ पे घूम पाए, ये खाना खा पाए, ये मिलीज उनका कोई डिश होती है साउथ अफ्रीकन। ठीक है, तो बेसिकली हर ह्यूमन को जो बर्थ लेता है उसको इतना राइट तो होता ही है कि वो फ्री रह सके। अब ये कह रहा है कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। अब ये कह रहा है जब तक मैंने उनकी बात मानी, मतलब जो कस्टम थे उसमें जो लॉ थी जिसमें वाइट लोगों की डोमिनेंट थी, जब तक मैं उनकी बात मानते रहा तब तक तो मैं मेरे को कोई ट्रबल नहीं आई। ठीक है, अब धीरे धीरे बताएगा आगे क्या करा इसने। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। ठीक है, अब देखो जब बचपन में क्या होता है, जब हम ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं तब हमें लगता है कि हाँ हम फ्री हैं, तो जब हम बड़े होते हैं ऐसे ज्यादा लोगों में जाने लगते हैं तब हमें सही बात पता लगती है कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है या क्या है। तो इसको पता लगा कि जब मैं छोटा था वो फ्रीडम तो एक इल्यूजन थी, पर असली में तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। जब ये बड़ा हुआ तब इसको ये पता लगा कि वो एक इल्यूजन था और अब मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चोज। अब ये कह रहा है शुरू में तो जो मैं फ्रीडम चाहता था सिर्फ अपने लिए ही चाहता था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माय कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। अब यही बात कर रहा है, शुरू शुरू में सिर्फ मैंने अपने लिए फ्रीडम मांगी, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी अचीवमेंट के लिए फ्रीडम का सोचा मैंने और मैंने एक फैमिली सोची,
करने का सोचा, तो सिर्फ पहले मेरी जो सोच थी वो सिर्फ मेरे अकेले की फ्रीडम पे सीमित थी। अब धीरे धीरे कैसे बड़ी हुई होता है ना, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। अब ये कह रहा है धीरे धीरे मुझे अच्छे से पता लगने लगा कि हर कोई लोग जो मेरे जैसा दिखता है, मतलब जो ब्लैक रंग का है, उस हर इंसान की फ्रीडम थी वो कर्टेल थी, मतलब उनसे ले ली गई थी, ठीक है, उनकी कम कर दी गई थी और उनसे ले ली गई थी। तो उसको ये बात का एहसास धीरे धीरे हुआ जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ठीक है। दैट इज वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ। अब ये उसी टाइम इसने जब इसको पता लगा कि किसी को भी फ्रीडम नहीं है ब्लैक पीपल को, तो फिर उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, कोई इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जो भी। फिर इसकी एक जो भूख थी फ्रीडम की वो सिर्फ इसके अकेले के लिए नहीं रही, पूरी कम्युनिटी के लिए होगी, पूरी ब्लैक कलर के लोगों के लिए होगी, ठीक है, और जिसको भी फ्रीडम नहीं थी। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ That transformed a frightened young man into a bold one. अब ये कह रहा है कि उस फ्रीडम की डिजायर ने और उन लोगों की रिस्पेक्ट के लिए, मेरी रिस्पेक्ट के लिए और जो मेरे जैसे सारी लोगों की रिस्पेक्ट के लिए है, फिर इस सोच ने मेरी पूरी लाइफ, मतलब इसी की अराउंड घूमती रही, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, मतलब इसी चीज पे मेरी लाइफ बन गई है। That transformed a frightened young man into a bold one. जो कभी डरा हुआ आदमी था वो काफी बोल्ड हो गया है। That drove a low wilding attorney to become a criminal. Attorney क्या होता है? Lawyer होता है, ठीक है, वकील। तो कह रहा है ये पहले वकील हुआ करता था, पर अब ये जिस लॉ के लिए लड़ता था, ठीक है, वकील क्या करते हैं, जो लॉ होती है पर पहले से ही उसके अकॉर्डिंगली अपना केस वगैरह लड़ते हैं, मतलब उस लॉ को अबाइड करते हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं जो भी अपना करते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, जो लो थी, लो अपार्थेड की थी जो मैंने तुम्हें बताया था, अब ये उसके अगेंस्ट हो गया। तो जो भी लो के अगेंस्ट होता है वो एक क्रिमिनल कहलाया जाता है, तो उस सेंस में ये एक क्रिमिनल हो गया, लो अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। दैट टर्नड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। अब क्या, अब ये इसने शादी वगैरह भी नहीं करी, मतलब ये अकेला रहने लग गया बेसिकली। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। अब एक मॉन्क की तरह रहने लग गया। एक सेकंड। हाँ। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. Virtuous का मतलब होता है कि जो अच्छे काम वगैरह करता है, ठीक है? Or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed even when I knew my people were not free. अब ये कह रहा है कि जब मुझे, भले मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम हो, क्योंकि ये एक वकील था और इसकी रैंक भी अच्छी थी, तो इसको थोड़ी बहुत लिमिटेड फ्रीडम तो मिलती थी, पर ये कहता उस फ्रीडम का मैं क्या करता जब तक मेरे जैसे सभी लोगों को, सभी ब्लैक लोगों को फ्री नहीं थे, ठीक है। I could not even enjoy, मतलब वो उस फ्रीडम को, मतलब क्या कहता है, किस काम की है जिस फ्रीडम को मेरे लोगों की नहीं मिल पाती, ठीक है, भले ही उसको लिमिटेड फ्रीडम हो पर उसके लोगों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं थी, तो उससे भी सेटिस्फाई नहीं था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। अब फ्रीडम को देखो, ये भी काफी अच्छी बात है, फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, सभी लोग एक बराबर होंगे, ये नहीं कि किसी को थोड़ी बहुत फ्रीडम है, किसी को कम फ्रीडम है, और किसी को बिल्कुल फ्रीडम है, किसी को फ्रीडम ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम ऐसी नहीं है कि इसको इतनी दे दो, इसको इतनी दे दो, इंडिविजिबल का मतलब होता है कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। द चांस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चांस ऑन ऑल ऑफ देम, द चांस ऑन ऑल माई पीपल वर द चांस ऑफ मी। अब चांस का यहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जिसको फ्रीडम नहीं मिलती मतलब वो चैन के अंदर बंधा हुआ है। तो अगर ब्लैक लोगों को चैन है तो वो सभी पे है, और जो अगर सभी पे है तो वो मेरे पे है। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड
He's locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. अब ये इसने बहुत अच्छी बात करी है लास्ट में, ये कह रहा है कि सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब जो ओप्रेस करता है इस सिचुएशन में वाइट लोगों की बात कर रहा है कि कहता असली फ्रीडम तो उनके पास भी नहीं है, वो एक प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है, मतलब वो एक हेट्रेड में बंधे हुए हैं, मतलब उनकी हेट जो है वो उन्हीं को बांधे रख रही है, ठीक है। तो कह रहा है बेसिकली अगर हम फ्री नहीं है तो जो हम पे ओप्रेस कर रहे हैं, हमें जो डोमिनेट कर रहे हैं असलियत में, तो वो भी फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी हेट्रेड के अंदर ही उसके शिकंजे में फंसे हुए हैं, ठीक है। He's locked behind the prejudice, prejudice मतलब अपने किसी को देख के पहले ही इमेज बना लेते हैं उससे, बिना जुड़े, बिना किसी को जाने, जिसकी मतलब वाइट लोगों के एक ब्लैक लोगों की इमेज जो थी वो काफी बुरी थी वाइट लोगों के अंदर, तो वो जो इमेज थी उसको prejudice कहते हैं, and narrow mindedness तो पता ही है, ठीक है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अब देखो अगर मैं किसी की फ्रीडम लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो फ्री नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ, वही मैंने अभी जो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड की बात करी, वो खुद के ही एक हेट के शिकंजे में फंसा हुआ है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेशन अलाइक आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। वही सेम बात करी कि जो फ्रीडम लेता है असलियत में वो भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, कि उसकी एक बुरी सोच के लिए, बुरी सोच में या दूसरों के लिए हेटेड में वो कहीं ना कहीं फंसा ही हुआ है।